Good evening everyone, welcome back to my channel BA Detailing. I hope you are doing well and stay healthy, stay awake, stay prepared, and let's start today's session. This is the class 3. So जो भी videos नहीं देख रहे हो मगर उस videos में बहुत सारी information दे रही हूँ, फिर मत बोलिएगा कि सीटेट रोटेट या कोई भी TET क्लियर प्रिपेयर नहीं हो. सिर्फ सीटेट क्लियर करना हमारा मकसद नहीं होना चाहिए, हमारा मकसद है हायर जॉब लेना. सो हम एजुकेशन सिस्टम में जो हायर पोस्ट हैं उसके लिए प्रिपरेशन करें. जो क्विज ग्रुप में ज्वाइन नहीं हो तो क्विज ग्रुप में ज्वाइन हो जाना बच्चे लोग. एंड क्विज ग्रुप में 9:30 को आज मैथ क्विज़ है. सीटेट पेपर वन के रिलेटेड जो रेशियोज़ हैं, रेशियोज़ और LCM HCF और जस्ट लाइक टाइम डिस्टेंस एंड स्पीड के ऊपर क्वेश्चंस हैं या सिंपल इंटरेस्ट के ऊपर, तो ऐसे ही क्वेश्चंस को मैंने डाला है. 2 मिनट्स का टाइम है, पहले 2 मिनट्स करके हम प्रैक्टिस करेंगे, उसके बाद 1 मिनट्स वाला. सो जो भी नहीं अटेंड कर पा रहे हो तो प्लीज़ क्विज ग्रुप में ज्वाइन हो जाओ. क्विज ग्रुप में ज्वाइन होने से इवन इफ मैंने बी एड डिटेलिंग जो टेलीग्राम में हमारा चैनल है वहाँ पर भी लिंक छोड़ दिया है, जो ज्वाइन होना चाहते आ जाना, वेलकम है सबको. अभी हम प्रिपरेशन कर रहे हैं क्योंकि बहुत सारे बच्चे लोग, पहले तो आप लोगों को मैं बहुत बार बोलती हूँ कि इफ़ यू आर फ्री देन प्लीज़ बीएड कंप्लीट करने से जो आपका पूरा टोटल इन्फॉर्मेशन माइंड में आ गया एंड आप प्रिपेयर हो गए एंड आपको सब कुछ पता है, ऐसा नहीं हो सकता. इवन एक मुझे भी बहुत कुछ नहीं पता, मैं डेली बेसिस में पढ़ती हूँ. एक गुड टीचर ऑलवेज 2 रोल बहुत अच्छे से प्ले करता है, प्ले करना भी चाहिए. फर्स्ट वन, वो एक अच्छा लर्नर होना चाहिए, दैट इज़ अ बेसिक वन, नर्सरी पॉइंट, ये फंडामेंटल बेस है. उसके बाद सेकेंड थिंग, जब आप अच्छे लर्नर बन जाओ तो अच्छे टीचर बनना. सो जब भी आप कोई चीज़ों को समझो तो दूसरे लोगों को समझाने को ट्राई करो, वही है आपका एबिलिटी, आपका वन काइंड ऑफ एक टीचर का वॉइस, प्रोनंसिएशन, उसके हैबिट्स, एटीट्यूड, जेस्चर, पॉजिटिविटी, ये सारे होते हैं एक टाइप के अस्त्र बोल सकते हैं, वेपन्स हैं हमारे लिए, ये सारे वेपन्स हैं. ठीक है, चलो और टाइम वेस्ट नहीं करेंगे. आज का टॉपिक है हमारा जितने टाइप का एजुकेशन सिस्टम है उसको, तो आप लोगों ने अभी तक जाना है कितने टाइप का एजुकेशन सिस्टम. देयर आर 3 टाइप्स ऑफ एजुकेशन सिस्टम, राइट? कितने टाइप्स का एजुकेशन सिस्टम है हमारे पास? 3 टाइप्स ऑफ एजुकेशन सिस्टम, 3 टाइप्स का है. हाँ, 3 टाइप्स ऑफ एजुकेशन सिस्टम. तो हम ना डायरेक्टली इसको इंडिविजुअल करके नहीं पढ़ेंगे, एट अ टाइम कंपैरिजन पढ़ते हैं. कंपैरिजन में क्या होता है, ऑलवेज माइंड सेटअप करो कि कंपैरिजन में पढ़ने से हमें पता चलेगा कि कौन से एजुकेशन सिस्टम में क्या डिफरेंसेस हैं, क्या डिमेरिट्स हैं, या फिर उसका एम क्या है. तो उसी के ऊपर जब क्वेश्चन आता है आप कन्फ्यूज नहीं हो कि ऑप्शन, सही ऑप्शन को सिलेक्ट कर सकते. तो फर्स्ट थिंग, हम 3 टाइप के जो एजुकेशन सिस्टम है ऑन द बेसिस ऑफ एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन और द ऑर्गेनाइजेशन एंड द करिकुलम और मोड ऑफ इंस्ट्रक्शन मीडिया, उसके बेसिस पे ये 3 टाइप्स हैं. तो उन 3 टाइप्स को हम पहले हाईलाइट कर रहे हैं, उनको करने के बाद हम इंक्लूसिव एजुकेशन पे भी चलेंगे. ठीक है, सो फर्स्ट वन इज़ द फॉर्मल, सेकंड वन इज़ इनफॉर्मल एंड थर्ड वन इज़ द नॉन फॉर्मल. समटाइम्स वी आर वेरी कन्फ्यूज विद द फॉर्मल, इनफॉर्मल एंड द नॉन फॉर्मल, बिकॉज द फॉर्मल वन इज़ द जस्ट लाइक फॉर्मल लुकिंग हो गया, तो ये वेल ऑर्गेनाइज होता है, जैसे कि स्कूल कॉलेजेस में होता है, एक फिक्स्ड हाई स्कूल, डिप्लोमा डिग्रीज जहाँ से लेते हैं, यूनिवर्सिटी कॉलेजेस, तो इन जगह पर हम लोग फॉर्मल एटीट्यूड रखते हैं, जहाँ पर एक फिक्स करिकुलम होता है, फिक्स टाइमिंग होता है, सब कुछ फिक्स रहता है, फिक्स करिकुलम, फिक्स टाइमिंग, फिक्स्ड क्रेडेंशियल्स और द फिक्स्ड एम. ठीक है, कि सारे बच्चों को हमें एजुकेट करना है, उनका एक ही मकसद होना चाहिए कि उनको पढ़ना है, बड़ा बनना है, इतना होना चाहिए. बट इनफॉर्मल, दैट मीन्स फॉर्मल के साथ है बट नॉट अ फॉर्मल थिंग. ठीक है, इनफॉर्मल. सो इनफॉर्मल अकॉर्डिंग टू दिस टर्म, इनफॉर्मल मीन्स ये भी स्टैंडर्ड स्कूल सेटिंग में ही होता है बट आउटसाइड ऑफ द स्कूल, आउटसाइड द स्कूल. सपोज ये स्कूल है तो यहाँ पे स्कूल में हम स्टडी नहीं करेंगे, स्कूल के बाहर, बट स्कूल के जितने भी रूल्स, रेगुलेशंस हैं, करिकुलम्स हैं, सबको सेम वे से फिक्स करते हुए, सेम वे से हम चलाते हुए अलग जगह में पढ़ते हैं. ठीक है, यहाँ पे एलाब्रेशन किया जाता है, एनलार्जमेंट एक्सपीरियंस, कन्वर्सेशन किया जाता है, जितना हम रिदम और पेस के साथ नॉर्मल स्कूल में विद्यालय में जाते हैं उतना में नहीं होता, यहाँ पे नॉर्मल धीरे धीरे होता है. यहाँ पे कोई फिक्स्ड एग्जामिनेशन नहीं है, फिक्स करिकुलम हम मेंटेन करते हैं बट कभी कभी कुछ कुछ जगह पे फिक्स करिकुलम भी नहीं होता. नॉन फॉर्मल क्या है? इट इज़ एनी ऑर्गेनाइज्ड एजुकेशन, ये कोई भी ऑर्गेनाइज्ड एजुकेशन सिस्टम हो सकता है और एक्टिविटीज हो सकता है जो कि कोई भी जगह पर आप करवा सकते हो. ठीक है, आउटसाइड द फॉर्मल एंड इनफॉर्मल सिस्टम, ये इनफॉर्मल एंड फॉर्मल के साथ जुड़ा हुआ नहीं है, देयर इज़ नो कनेक्शन विद द इनफॉर्मल एंड द फॉर्मल वन, ये पूरा आउटसाइड द फॉर्मल एंड इनफॉर्मल है, ये लर्नर सेंटर्ड है. लर्नर को क्या चाहिए? बेसिकली लर्नर को जो नीड है उसी के अकॉर्डिंग हम करेंगे. ठीक है, आई थिंक आपको समझ आया, अंडरस्टूड. ओके, देन नेक्स्ट चलते हैं, इसके एम्स क्या है. पर्टिकुलरली देखो, कुरुक्षेत्र स्टूडेंट्स एंड नागार्जुना स्टूडेंट्स ऑल्सो, आप लोगों के कहीं ना कहीं ये सारे सब्जेक्ट मैटर में भी है, प्लस आपके कोई भी TET एग्जाम्स में जाओ एंड आप लोग तो अभी सीटेड रोटेट में हो, हम लोग सारे बड़े बड़े चीज़ों के लिए प्रिपेयर हो रहे हैं, तो आप लोगों ना बहुत वास्ट चीज़ों को याद रखना है और वो बार बार प्रैक्टिस से ही होगा. 4 साल 5 साल लोग प्रैक्टिस करके भी फेल होते हैं, तो आप लोगों को बार बार करना होता है. बहुत लोग होते हैं ना जस्ट लाइक
बोलते हैं नहीं इनको तो ये नहीं आ रहा है, खुद कितने कमज़ोर हो वो देख लो पहले, 1 मार्क 2 मार्क रखते हो फिर जाके कमेंट करो। एंड एक चीज़ है, टीचर कभी भी घमंड नहीं दिखाते, इगोइस्टिक नहीं होते, एटीट्यूड नहीं दिखाते, जस्ट लाइक पॉजिटिव एटीट्यूड टुवर्ड्स ही लर्निंग इट्स ओके, बट नेगेटिव एटीट्यूड नहीं दिखाना यहाँ पे, एंड किसी के लिए कमेंट नहीं करते। ये चीज़ एक पूरा रूल्स है बोल लो, जो कि हम बोल सकते हैं पूरे हिस्ट्री को देख लो एजुकेशन का, ये मिल जाएगा आपको। तो ये चीज़ कुरुक्षेत्र बच्चे तो पहले इसको अच्छे से सुन लो, बिकॉज ये आपका जो पेपर है सेकेंड ईयर का पेपर में ये मेंशन है, ठीक है, नॉलेज एंड करिकुलम ऐसे सब्जेक्ट में मेंशन भी है, एंड ये सारे TETs में भी आ जाएंगे। तो देखो एम्स क्या है, इसके लक्ष्य क्या है या उद्देश्य क्या है, सर्टिफिकेट टू गेट एन एम्प्लॉयमेंट इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट ऑफ मैन। मतलब नॉर्मली हम लोग अगर 10 बच्चे एक स्कूल में पढ़ते हैं तो सबको हम सर्टिफाइड करना चाहते हैं कि ये यहाँ से एजुकेटेड है, इनको जॉब मिली। इनफॉर्मल, नो ऑब्जेक्टिव, इसका कोई पर्टिकुलर ऑब्जेक्टिव नहीं होता, सडन लर्निंग जो आपको पढ़ना है उसी पर हम स्ट्रेस डालें। नॉन फॉर्मल, इससे हम ओनली नॉलेज बढ़ाते हैं एंड बच्चों का ऑलराउंड डेवलपमेंट कराते हैं, ठीक है, यहाँ पर कोई सर्टिफिकेशन नहीं है। प्लेस देखो, दैट इज़ इसका प्लेस क्या है, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट मतलब स्कूल कॉलेजेस। इनफॉर्मल में नो डेफिनाइट प्लेस और कोई एक डिफाइन नहीं किया गया कौन से प्लेस में होगा, कैन बी होम और लाइब्रेरी और ओपन स्पेस। नॉन फॉर्मल जो है कोई भी जगह पे हो सकता है, जैसे लाइक कोचिंग सेंटर, लाइब्रेरी में या फिर ओपन स्पेस में, पेड़ के नीचे और घर पे हो सकता है। एज ग्रुप देखो, ये तो स्टूडेंट्स हैं, क्लास वाइज एज ग्रुप रहेगा। इनफॉर्मल में एंड नॉन फॉर्मल में कोई भी एज नहीं होता, जैसे कि आप लोग ऑलमोस्ट मैं बोल सकती हूँ कि आप लोग इनफॉर्मल में भी है वो नॉन फॉर्मल, जब हम लोग ऑनलाइन क्लासेस करते हैं तो ये वन काइंड ऑफ नॉन फॉर्मल और इनफॉर्मल का ही पार्ट होता है। ऑफलाइन भी वही है, क्योंकि यहाँ पे कोई फिक्स टाइमिंग पे आप लोग नहीं आते, फिक्स ड्रेस कोड नहीं है, हम लोग कोर्सेज आज इसी टॉपिक को पढ़ना ऐसा कोई फिक्स नहीं है, कभी भी आपको कोई भी टॉपिक पढ़ा सकते हैं अपने सुटेबिलिटी के अकॉर्डिंग, टाइम सुटेबिलिटी के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे एज ग्रुप भी मेंशन नहीं होता, ठीक है। करिकुलम, नो फॉर्मल में करिकुलम फिक्स नहीं होता, फ्लेक्सिबल होता है, ठीक है। जब आप लोग स्कूल्स जाते हो तो कभी कभी देखना करिकुलम कुछ एक मेंशन किया गया बाय NCT और NCERT, ऐसा मेंशन होता है, बट इन सर्टेन पॉइंट्स करिकुलम को हम पूरा मेंशन नहीं कर पाते हैं, ठीक है, कि इतना ही मुझे पढ़ना है, क्योंकि एक ऑलराउंड डेवलपमेंट जब बच्चों का चाहिए तब स्कूल एक ऐसा चीज़ है जहाँ पे सारे ग्रोथ हो सकते हैं। तो यहाँ पे नो मेंशन किया गया कि यहाँ पे करिकुलम है बट फिक्स नहीं है, रिजिड नहीं है, फ्लेक्सिबल है, ठीक है, ये फ्लेक्सिबल होगा, फ्लेक्सिबल है, ठीक है। फिर आया फिक्स्ड, इनफॉर्मल में पूरा फिक्स रहता है, बच्चा जो चाहिए उतना ही पढ़ता है। नॉन फॉर्मल में फ्लेक्सिबल है, नीड बेस्ड है, ठीक है। टेक्स्ट बुक एग्जामिनेशन स्कूल्स में होते ही हैं, बट इनफॉर्मल में टेक्स्ट बुक एग्जामिनेशन नहीं होते, बट आप लोग जहाँ पे पढ़ते हो वहाँ पे एग्जामिनेशन होते हैं, ठीक है। और क्या है, टाइम, फॉर्मल में टाइम रेस्ट्रिक्शन है, कोई बच्चा बीमार है तो उसका एग्जाम बाद में होगा, ऐसा नहीं हो सकता है। तो ये फॉर्मल में रेस्ट्रिक्शन है कि टाइम मेंशन किया जाता है एज पर दिस टाइम वहाँ पे एग्जामिनेशन। इनफॉर्मल लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है, नॉन फॉर्मल इट इज़ अ कंटिन्यूस प्रोसेस। स्कोप क्या है, जब हम स्कूल में पढ़ते हैं कोई एक लिमिटेड पॉइंट के ऊपर पढ़ते हैं या सर्टिफाइड होने के लिए, तो लिमिटेड एंड नैरो है। इनफॉर्मल में स्कोप बहुत ही वास्ट रहता है, नॉन फॉर्मल में भी। एजेंसी क्या है, देखो स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी। इनफॉर्मल में होम, मार्केट, प्लेग्राउंड, टेंपल। नॉन फॉर्मल में कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हो सकता है, जस्ट लाइक होमली प्लेसेस हो गए या ट्यूटर आके पढ़ा दिया, ऑनलाइन पढ़ा लिया, यूट्यूब से पढ़ लिया, ये सब। रूल्स क्या हैं, देखो स्कूल्स में जब रूल्स आते हैं तो रिजिड होते हैं एंड फिक्स रूल्स रेगुलेशन रहते हैं, बट बाकी जो आपके इनफॉर्मल हैं वहाँ पे कोई रूल्स रेगुलेशन नहीं होते। बट जब आप नॉन फॉर्मल में आते हो, जो घर में आपको एक ट्यूशन टीचर आएगा पढ़ाएगा, तो वो पर्टिकुलर टाइम पे ही आएगा, तो ये फ्लेक्सिबल रूल्स के साथ कुछ रेगुलेशंस भी मेंशन करता है। सोर्स क्या है, टॉट बाय ट्रेंड टीचर्स, टीचर्स ही पढ़ा सकते हैं जो कि ट्रेंड हैं। आपका जो इनफॉर्मल है कोई भी पर्सन पढ़ा सकता है, एंड यहाँ पे क्या है, कोई भी ट्यूटर आके पढ़ाएगा, टॉट बाय एक्सपीरियंस ट्रेनर और द ट्यूटर। अभी देखो मैं कोई इंटरेस्टिंग आपको डायग्राम्स दिखाती हूँ, एक एक चीज़ होता है, आपको ये मतलब उतना डार्क तो नहीं है, फिर भी मैं आपको बता रही हूँ कि बाद में आपको पता चले, थोड़ा सा मैं बताऊँगी। सुगम्य भारत अभियान, सुगम्य भारत अभियान 2015 में हुआ था, सुगम्य भारत अभियान, एंड ये जस्ट लाइक स्टूडेंट्स के लिए एक फ्री एनवायरनमेंट क्रिएट करना था, इको फ्रेंडली, इको सिस्टम, ट्रांसपोर्टेशन, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन सिस्टम के साथ। एंड सुगम्य जो भारत अभियान था उसके अकॉर्डिंग सुगम्य पुस्तक लाइब्रेरी खुला गया, पुस्तकालय, पुस्तकालय पुस्तक के लिए जो घर, लाइब्रेरी। तो ये हर एक जगह से पर्सन आ सकते हैं, जैसे कि डिजेबल्ड बच्चों के लिए भी है, स्कूल कॉलेजेस में भी रहेगा, पब्लिशर्स भी हैं, NGOs भी हैं, कॉरपोरेट हैं, सबको यहाँ से पढ़ सकता है। एंड इसका जो फॉर्मेट है 2 टाइप्स में था, ऑफलाइन ऑनलाइन, एंड इससे बच्चे दोनों वे से पढ़ सकते थे, डाउनलोड कर सकते हो, जो कि ओपन एजुकेशनल रिसोर्सेज बोला जाता है ऑनलाइन होने से, जो कि जैसे देखो टेलीग्राम में मैंने सारा कुछ दे दिया, आप वहाँ से चाहो तो डाउनलोड कर सकते हो, पढ़ सकते हो। तो ये हो गया आपका जस्ट लाइक वन काइंड ऑफ लाइब्रेरी, जहाँ पे बहुत सारी चीज़ें आपको रिसीव होता है एंड वहाँ से आप डाउनलोड करके भी पढ़ सकते हो। अभी देखो और एक इंपॉर्टेंट चीज़ मैं बोलूँ, SSA सर्व शिक्षा अभियान,
तो सर्व शिक्षा अभियान, इसका मतलब जानते हो, शॉर्टकट बता रही हूँ, फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन। मैं क्यों बता रही हूँ, बिकॉज एजुकेशन जब आपने स्टार्ट किया, डिटेल नहीं बता रही हूँ बट धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा करके हम लोग जा रहे हैं, फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन, ठीक है। पता है अकॉर्डिंग टू दिस 3000 गवर्नमेंट स्पेशल स्कूल ओपन हुए, दैट इज व्हाट डू यू मीन बाय द स्पेशल स्कूल, दैट इज स्पेशल नीड्स जिनको है, दैट इज जैसे कि हैंडीकैप्स, ठीक है, जिनका हाथ नहीं है, पैर नहीं है, या सुन नहीं पाते, देख नहीं पाते, उन लोगों को तो उनके लिए स्पेशल स्कूल्स चाहिए। तो गवर्नमेंट ने सर्व शिक्षा अभियान 2001-2002 के अंदर हुआ था विदिन, तो उस टाइम पे 3000 गवर्नमेंट स्पेशल स्कूल ओपन किया, उसमें से विजुअल इम्पैक्ट के लिए 400 स्कूल्स, मेंटली डिजेबल्ड के लिए 1000 एंड फिजिकली इम्पैक्ट के लिए 700, बाकी सब नॉर्मल बच्चों के लिए, एंड इनको स्कॉलरशिप, स्टाइपेंड एंड मेडिकल फैसिलिटीज़ मिलेंगे। इवन इफ इनको डिजेबिलिटी सर्टिफिकेट बनाना है, जिसके थ्रू गवर्नमेंट डिजेबिलिटी सर्टिफिकेट देगा, तो उसके थ्रू स्कॉलरशिप प्रोवाइड कर सकता है। मेडिकल बोर्ड ऑफ डिस्ट्रिक्ट ने ये प्लान किया था। इनका प्रॉब्लम क्या है पता है, क्यों ये एजुकेट नहीं हो पाते, बिकॉज ये डिमोटिवेट हो जाते हैं बहुत ज़्यादा, टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस में जाना नहीं चाहते, तो कभी कभार प्रॉब्लम में फंसते हैं, लैक ऑफ अवेलेबिलिटी, सारा कुछ अवेलेबल नहीं होता है उस वजह से भी। अभी देखो मैं और एक चीज़ बता रही हूँ, सिस मीन्स आप लोग यूज़ करते हो सिस्टर ऑलवेज, तो ये है श्रद्धांजलि इंटीग्रेटेड स्कूल्स एंड ये प्राइमरी बैच के लिए था, 7th क्लास के लिए, ठीक है। इसके अकॉर्डिंग हम फोकस किस पे कर रहे थे, नॉन डिजेबिलिटीज एंड डिजेबिलिटी दोनों के ऊपर, मतलब 80:20, अगर 10 बच्चे हैं, 10 बच्चों के अंदर 8 बच्चे डिजेबल्ड होंगे, 2 बच्चे नॉन डिजेबल, सबके लिए था ये। 1973 से स्टार्ट होने वाला था, 1993 में पूरा पर्टिकुलर आ गया। अभी हम जो पढ़ने वाले हैं वो है इंक्लूसिव वन, इंक्लूसिव एजुकेशन, ठीक है। मुझे डायग्राम्स नहीं मिला था, बहुत पुराने फोटोज हैं मेरे फाइल्स में, तो मैंने यहाँ से लाया, तो सिर्फ आपको समझाने के लिए। एक मैंने बोला सुगम्य पुस्तकालय, सुगम्य भारत अभियान, सर्व शिक्षा अभियान SSC, दैन हमने पढ़ा सीस, दैट इज क्या पढ़ा अभी, श्रद्धांजलि इंटीग्रेटेड स्कूल्स, नेक्स्ट हम आएंगे इंक्लूसिव। अभी तो समझ गए होंगे कि इंक्लूसिव मतलब क्या है, एक्सक्लूसिव मतलब क्या है, जो जस्ट लाइक आउट ऑफ स्टॉक, या फिर जिसको हम ज़्यादातर आउट करते थे, इंक्लूसिव मीन्स इन करना। सपोज देखो ना, मैंने यहाँ पे क्या किया, एक सर्कल बना लिया एंड सारी चीज़ों को यहाँ पे रैंडमली जो बाहर बिखरे हुए थे सबको ऐड कर दिया, तो ये हो गया इंक्लूसिव। अगर मैंने यहाँ पे कुछ को ऐड किया, कुछ को आउट किया, तो एक्सक्लूसिव, ये लोग एक्सक्लूड हो गए, ये लोग इंक्लूड हो गए, एक रेंज के अंदर, एक स्टैंडर्डाइज प्रोसेस के अंदर। सो ऐसे क्लासरूम बनाने अंडर दिस इंक्लूसिव सेशन, कि बीनीथ दिस सेम रूफ, ठीक है, स्कूल का जो क्लासरूम का रूफ है, सब कोई सेम है, नॉर्मल वन, हाफ डिजेबल्ड, फुल डिजेबल्ड, सब कोई सेम है, उसके अंदर पढ़ेंगे। इसके अंदर बहुत सारे स्कूल्स आते हैं, मेन स्ट्रीमिंग एजुकेशन, स्पेशल एजुकेशन, इंक्लूसिव एजुकेशन एंड द जनरल एजुकेशन। सो मोड्स ऑफ टीचिंग यहाँ पे कैसा होता है पता है, मोड्स ऑफ टीचिंग नॉर्मली 2 टाइप्स के होते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ द टाइप्स ऑफ डिजेबिलिटीज। एक है लैंग्वेज ओरिएंटेड टीचिंग और एक होता है एक्टिविटी ओरिएंटेड टीचिंग। लैंग्वेज दैट इज जस्ट लाइक ब्रेल से पढ़ाना, या टेप रिकॉर्डर्स और ऑडियो विजुअल एड्स यूज़ करना, या फिर डिफरेंट टाइप ऑफ मटेरियल्स यूज़ करना। सो मोड्स ऑफ टीचिंग के बाद हम आ गए हैं इंक्लूसिव एजुकेशन का मेन, जहाँ पे पहला इंक्लूसिव एजुकेशन स्टार्ट हुआ था। तो इंक्लूसिव एजुकेशन 5 स्टेट्स में स्टार्ट हुआ था, इम्पॉर्टेंट UP, उत्तर प्रदेश, कर्नाटका, दैट इज़ अ कर्नट मेंशन है, कर्नाटका एंड केरला, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, ये 5 स्टेट्स में स्टार्ट किया गया था। फॉर गुड प्रैक्टिस ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन 3 डायमेंशंस हैं जिसको हमें करना है। पहले तो इंक्लूसिव एजुकेशन द प्रोसीजर जो रहता है ना, दैट मीन्स इट इंक्लूड द पॉलिसीज। इंक्लूसिव एजुकेशन को मानना है तो हमें पॉलिसीज को फॉलो करना पड़ेगा, पॉलिसीज आर इम्पॉर्टेंट, तो पॉलिसीज। सेकेंड थिंग इज द क्रिएटिंग इंक्लूसिव कल्चर, हमें ऐसा सोसाइटी बनाना है जहाँ पे इन लोगों को भी हम इंक्लूड कर सकें एंड वहाँ पे कोई भी डिस्क्रिमिनेशन ना हो। फिर उसके बाद आता है इन्वॉल्विंग इंक्लूसिव प्रैक्टिसेस, मतलब देखो यहाँ पे डिफरेंस मैंने स्ट्रक्चर बनाए, तो स्ट्रक्चरल डिफरेंसेस मींस डिफरेंट टाइप के जो पर्सन होते हैं, इंडिविजुअल डिफरेंसेस सारे एक साथ, तो ये 3 डायमेंशंस के ऊपर चलता है। तो इसके बाद ये इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है आपके लिए। सो इसका मेन इम्पॉर्टेंस क्या था, इक्वालिटी प्रोवाइड करना बेटर फ्यूचर के लिए। अभी देखो आप लोगों को थोड़ा थोड़ा आइडिया देते जाती हूँ स्पेशल एजुकेशन के ऊपर। तो व्हाट डू यू मीन बाय स्पेशल एजुकेशन, स्पेशल एजुकेशन इज अ सेपरेट सिस्टम ऑफ एजुकेशन फॉर डिजेबल्ड चिल्ड्रन, जो डिजेबल्ड चिल्ड्रन हैं उनके लिए, आउटसाइड द मेन स्ट्रीम एजुकेशन। मेन स्ट्रीम एजुकेशन वो होता है जहाँ पे हम इंक्लूसिव जो चाइल्ड है, दैट मीन्स
जो डिजेबल्ड चाइल्ड हैं उसको इंक्लूसिव हम मेंशन करते हैं इसको, या फिर हम बोल सकते हैं डिजेबल्ड चाइल्ड प्लस नॉन डिजेबल्ड वन, नॉन डिजेबल्ड चाइल्ड, तो हम दोनों को यहाँ पे एक साथ एक छत के नीचे पढ़ाते हो, तो दैट इज कॉल्ड द मेन स्ट्रीम। बट स्पेशल एजुकेशन इज स्पेशल फॉर द डिजेबल्ड वन। एंड ये 1880s से इंडिया में स्टार्ट हुआ था। इसका मेन पर्पस है कि डिजेबल्ड वन को हम पढ़ाना चाहते हैं एंड उनके लिए सेपरेट स्कूल बना रहे हैं, उनके सिमिलर जो भी उनके नीड्स हैं, नीड जो फुलफिलमेंट करना है उसके लिए। इंडिया में 1947 तक टोटल 32 स्कूल्स फॉर द ब्लाइंड थे। मैंने आपको SSS सर्व शिक्षा अभियान के अकॉर्डिंग बता दिया कितना कितना है। 32 स्कूल्स थे ब्लाइंड्स के लिए, 30 स्कूल्स थे डीप पर्सन्स के लिए एंड 3 मेंटली रिटार्डेड डिजेबिलिटी, जो मेंटली रिटार्डेड हैं और डिजेबल्ड हैं उनके लिए थे, डिजेबिलिटी इन इंडिया की। ठीक है, मतलब हम बोल सकते हैं कि डिजेबिलिटी इन इंडिया में ये हमने डिविजन किया है, 32 स्कूल्स फॉर ब्लाइंड, 30 फॉर डीप एंड 3 फॉर मेंटली रिटार्डेड। अभी इनके लिए क्या था, अगर सपोज ये विजुअल इम्पेयर्ड हैं तो ब्रेल सिस्टम में पढ़ाया जाएगा, लेजर कैन आएगा, डिफरेंट टाइप ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स आएंगे एंड पॉलिसीज आएंगे। वैसे ही अगर हियरिंग इम्पेयरमेंट हो तो उनके लिए हियरिंग एड्स आएंगे एट्सेट्रा। वैसे फिजिकल हैंडीकैप आए तो उनके लिए कैंस आएंगे, उनके लिए डिफरेंट टाइप ऑफ मटेरियल्स आएंगे, जस्ट लाइक वो मूव कर सके व्हीलचेयर आएंगे ऐसा, तो डिफरेंट टाइप ऑफ थिंग्स है। तो स्पेशल एजुकेशन का यही फंडा है, याद रहा, इतना ही याद रखना, ज़्यादा याद नहीं रखना। इंटीग्रेटेड एजुकेशन, अभी क्या है, डिजेबल पीपल ऑल ऑफ ऑफ ऑल एज, सॉरी थोड़ा फंबल हो गया, डिजेबल पीपल जितने भी डिजेबल पर्सन हैं जो भी एज के हुए चलेगा, वो अगर पढ़ना चाहते हैं उनको स्पेशल एजुकेशन में हमने डाला है। विद द स्पेशल एजुकेशन नीड्स लेवल बिंग प्लेस्ड इन मेनस्ट्रीम एजुकेशन, मतलब यहाँ पे क्या होता है कि ये लोग सारे बच्चे स्पेशल एजुकेशन में जाते हैं, स्पेशल एजुकेशन लेते हैं, फिर भी वो खुद को इंक्लूड करना चाहते हैं जनरल स्कूल्स में जनरल बच्चों के साथ, सो दैट दिन का या फिर वीकली वो कुछ टाइम कहाँ जाएंगे पढ़ने के लिए, नॉर्मली मेनस्ट्रीम एजुकेशन जो है या फिर जस्ट लाइक नॉर्मल स्कूल्स जो है वहाँ जाएंगे वहाँ पढ़ने के लिए। तो उनके जो डिफरेंट टाइप ऑफ स्पेशल एजुकेशनल नीड्स इन स्कूल्स में भी पहले से प्रेजेंट रहेगा। For example, the child is required to fit in to what already exists in the school. जो स्कूल में पहले से, जैसे कि हम लोग गवर्नमेंट स्कूल देखते हैं वहाँ पर जो जो चीज़ें मेंशन हैं, सिस्टम्स हैं, उस टाइप के स्कूल्स में स्पेशल एजुकेशन के जो भी हकदार हैं, दैट मीन्स जो बच्चे हैं वो जाके पढ़ाई करेंगे। तो ये हो गया इंटीग्रेटेड। ओके, अभी आ गया इंक्लूजन। इंक्लूजन मैंने पहले ही समझा दिया, इंक्लूजन मीन्स इंक्लूड करना एक साथ, जस्ट लाइक हम मिलके सोसाइटी को एक्सेप्ट करेंगे, सिक्योर करेंगे, कोलैबोरेट करेंगे, स्टिमुलेट करेंगे, सब चीज़ एक साथ करेंगे और इन सबके लिए सेम पॉलिसीज रहेगा। इनके लिए कुछ बेनिफिट हैं, जैसे कि इनको सपोर्ट सर्विसेज चाहिए तो मिलेंगे। अभी बहुत बच्चों को कंफ्यूजन होने वाला है, तो कंफ्यूजन को दूर करते हैं इसमें लास्ट में आएंगे। अभी कंफ्यूजन को दूर करते हैं, ठीक है, तो ये देखो कंफ्यूजन ये है। इंक्लूजन में क्या हुआ, ऑल द स्टूडेंट्स वेलकम बाय देयर नाइबरहुड स्कूल्स, जो पास में स्कूल्स होंगे सबको इंक्लूडेड है, ये हो गया इंक्लूजन। इंटीग्रेटेड क्या है, डिजेबल चिल्ड्रन और लर्निंग डिफिकल्टी चिल्ड्रन एक्सेप्टेड इन द ऑर्डिनरी स्कूल, जो भी डिजेबल्ड हैं उनको हम नॉर्मल स्कूल्स में डाल रहे हैं, मतलब यहाँ पे कोई चेंजेस नहीं करना है, जो ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा है उसी में डालना है। स्पेशल स्कूल ये स्पेशल बच्चों के लिए, ठीक है। इक्वल अपॉर्चुनिटीज, पार्शियल अपॉर्चुनिटीज, लिमिटेड अपॉर्चुनिटी, स्पेशल स्कूल्स हैं, बच्चे जितना कर सकते हैं उतना अपॉर्चुनिटीज मिलेगा, इंटीग्रेटेड में पार्शियल मिलेगा। मेथड्स, करिकुलम सब अपने अपने जगह पे हैं, जिस अकॉर्डिंग होना चाहिए। टीचर्स इफेक्टिवनेस इंक्लूडिंग ऑल लर्निंग प्रोसेस, टीचर इफेक्टिवनेस अनचेंज लिमिटेड टू अदर चिल्ड्रन, टीचर्स इफेक्टिवनेस लिमिटेड टू ग्रुप, मतलब देखो स्पेशल ग्रुप है वहाँ तक ही लिमिटेड रहेगा। इसके लिए प्लानिंग किया जाता है, अगर नॉर्मल स्कूल देखें तो ये फॉर्मल है, जो इंटीग्रेटेड है नॉन फॉर्मल है, और बोल सकते नो फॉर्मल, ये प्लानिंग होता है अकॉर्डिंग टू द स्टूडेंट्स एबिलिटी, बस इतना याद रखो और कुछ नहीं। अभी थोड़ा सा बैक करते हैं कि इंक्लूसिव एजुकेशन का हिस्ट्री आप लोगों को जानना चाहिए, क्या है, कब से स्टार्ट हुआ था। हिस्ट्री ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन, द डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन प्रोग्राम, डिस्ट्रिक्ट
डीईपी, ओनली डीईपी बोला गया, डीपीपी नहीं, डीईपी 1985 में ओपन हुआ। ठीक है, नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन कब आया था जो कि बहुत ही हाईलाइटेड हुआ था, दैट इज 1986। द प्रोजेक्ट इंटीग्रेशन एजुकेशन फॉर द डिजेबल्ड वन, मतलब डिजेबल्ड को हम इंटीग्रेटेड एजुकेशन में डाल रहे हैं जहाँ पे कि नॉर्मल स्कूल्स में डिजेबल्ड वन को पढ़ाया जाता है, ये 1987 में हुआ। 1995 पर्सन्स विद डिजेबिलिटी एक्ट बना, इंटीग्रेटेड एजुकेशन फॉर डिजेबल्ड चिल्ड्रन एक स्कीम बना 1974 में। सर्वशिक्षा अभियान 2000 में आया जो इम्प्लीमेंट होते होते 2001-2 लगा। मेकिंग ऑल स्कूल्स डिजेबल्ड फ्रेंडली बाई 2020 एंड ये मार्च 2005 को बोला गया था कि बाई 2020 ये रखा गया है उम्मीद कि सारे स्कूल्स में डिजेबल फ्रेंडली किया जाए, सारे बच्चे जो भी डिजेबल्ड हैं वो भी नॉर्मल स्कूल में आके एक्सेस कर सके। तो आपको कितना याद रखना है, आपको याद रखना है कहाँ से, देख लो फिर से देख लो, 19th century का सारा चल रहा है, 1985 से याद रखना है, 1985, 1986, ठीक है, 1987 प्रोजेक्ट आया, ठीक है, देन हमारा पीडब्ल्यूडी एक्ट बना, देन हमारा ये 1974 थोड़ा सा ऊपर चल जाता है, यहाँ पे एक स्कीम बना, देन इसके बाद सर्वशिक्षा अभियान है, डिजेबल फ्रेंडली बनाएगा 2022 तक के अंदर 2005 के अकॉर्डिंग। इतना पॉइंट से, इतना पॉइंट जान लेने से मैक्सिमम 2 क्वेश्चंस तो आ ही जाएंगे जो कि आपका कंफर्म हर एक एग्जाम में कर देगा। सो आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो, समझ आया हो, सो लाइक शेयर कमेंट कर देना एंड जिनको भी पसंद आ रहा है कम्युनिकेट करना सीखो, एक दूसरे से जान पहचान बढ़ाना सीखो, पढ़ाई को समझो, आगे बढ़ो, पॉजिटिव एटीट्यूड रखो एंड अगर सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर देना क्योंकि मैक्सिमम लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है, कर देना, उससे हमें भी थोड़ा सा सपोर्ट मिलेगा एंड अगर हो सके तो अपने फ्रेंड्स को भी शेयर कर देना। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़, हैव अ गुड डे।